आप सबको पता है कि हम जैन में आए थे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जब हर तरीके से कोशिश कर ली थी, उसके बाद हम दिल्ली की सड़कों पे आके बैठे थे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी से मिले थे, मैं और बजरंग गए थे मिलने के लिए। हमने उनको इस बारे में बिल्कुल अवगत कराया था, क्लियरली हमने नाम लेके लड़कियों का बताया था कि किसके साथ में क्या क्या हुआ है, प्लीज़ आप इसको देखिए और प्लीज़ हमारी रेसलिंग को आप बचा लीजिए क्योंकि अभी अंत हो रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि 30-40 दिन का टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद में मैं करता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम ज़रूर इसमें कुछ करेंगे। 3-4 महीने वेट करने के बाद में हम जंतर मंतर पे आए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी जो आप सब देख रहे हो, पूरे देश को पता है। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो खुले में होगा। और दुख होता हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है, सड़क से लेके रेसलिंग मैट से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए, हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। पूरे देश को पता होते हुए भी ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का करते आए हैं, उनको फिर से संवैधानिक पदों पर बिठाया जा रहा है, उनको स्पोर्ट्स में जगह दी जा रही है। जो एक महिला थी, हमें उम्मीद थी कि कोई महिला आएगी, आने वाली जो बच्चियां हैं वो एक संतुष्टि फील करेंगी कि एक महिला है, उनको भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ कि हम अभी सेफ हैं। ना तो पहले रेसलिंग फेडरेशन में कोई भी एक लड़की थी, ना कोई भी आगे लड़की है। मैं हमारे आने वाले रेसलर से कहना चाहती हूँ कि आने वाली 2 या 4 पीढ़ियाँ तैयार रहिए शोषण के लिए, शायद आपको भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भगत सिंह जी ने जब देश के लिए फांसी लगाई थी, देश तभी आजाद नहीं हुआ था, काफी साल लग गए थे उनको अपने देश को आजाद होने में भी। हम उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है, किसके सामने जाके हम अपना दुख बताएं। आज आप सबके सामने आए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो आस और उम्मीद हम फिर से जगा पाएं।